एक महान विचारक, आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी, मातृभूमि और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वह महान नायक थे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। वह ऐसे महायोद्धा थे जिन्होंने न सिर्फ सिख पंथ का परचम ऊंचा किया बल्कि अपने सर्वोच्च बलिदान से हिंदू धर्म की भी रक्षा की। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया लेकिन किसी भी मुगल आक्रांता के आगे झुकना नहीं स्वीकारा। जब क्रूर आक्रांता औरंगजेब ने हिंदुओं पर हमला कर जबरन धर्म परिवर्तन का अभियान तेज किया तो कश्मीर के मटन निवासी पंडित कृपाराम के नेतृत्व में संकटग्रस्त कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में पहुंचा और अपनी दास्तां सुनाई। उनके दुख और पीड़ा को देखकर गुरु साहिब ने औरंगजेब को तुरंत संदेश भेजा। अपने संदेश में गुरु साहिब ने कहा कि पहले मुझे मुस्लिम बनाओ, यदि मैं इस्लाम धारण कर लूंगा तो कश्मीरी पंडित भी इस्लाम को अपना लेंगे। कुछ समय बाद औरंगजेब ने धोखे से श्री गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बनाकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, पर वह गुरु साहिब और उनके साथियों का मनोबल नहीं तोड़ सका। जिसके बाद धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। दिल्ली के चांदनी चौक के जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया था, आज वह स्थान गुरुद्वारा शीश गंज साहिब के तौर पर जाना जाता है। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का जन्म बैसाख कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। सिख इतिहासकार सतबीर सिंह अपनी पुस्तक इतिजिन करी में गुरु तेग बहादुर जी के जन्म के संबंध में लिखते हैं कि उनका जन्म विक्रम संवत 1678 के पांचवें बैसाख के दिन हुआ था। आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये दिन था शुक्रवार और तारीख थी 1 अप्रैल 1621। गुरु तेग बहादुर जी के पिता का नाम गुरु हरगोबिंद सिंह था। पिता हरगोबिंद गुरु तेग बहादुर जी को बाल्यकाल में त्यागमल नाम से बुलाते थे। बालक त्यागमल बाल्यावस्था से ही संत स्वरूप, गहन विचारवान, उदारचित, बहादुर और निर्भीक स्वभाव का था। त्यागमल ने शिक्षा दीक्षा अपने पिता, जो उनके गुरु भी थे, हरिगोबिंद साहिब की छत्र छाया में ली। इस दौरान उन्होंने गुरुबाणी, धर्म ग्रंथों के साथ साथ शास्त्रों और घुड़सवारी आदि की शिक्षा ली। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में बालक त्यागमल ने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर रख दिया, जिसका अर्थ था तलवार के धनी। गुरु तेग बहादुर जी ने भारत माता को दुष्ट आक्रांताओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए जनमानस में राष्ट्र प्रेम की भावना भर बलिदान के लिए तैयार किया और मुगलों के नापाक इरादों को विफल किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 15 रागों में 116 शब्द गुरु तेग बहादुर जी द्वारा रचित बाणी संकलित हैं। सिख पंथ के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने।